खबर है लखनऊ से, जहां पर देश में गहराया बिजली का संकट। गैस की कमी से पावर प्लांट बंद, कोयले की कमी का बड़ा असर। यूपी के भाजपा विधायकों को सताने लगी चिंता। देश में गहराया बिजली का संकट, गैस की कमी से कई पावर प्लांट बंद किए जाने के बाद ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था की दी जानकारी। मामले को संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है, मामले को संज्ञान में लेने का आग्रह भी किया गया। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कोयले की कमी का बड़ा असर भी देखिए। तो यूपी के भाजपा विधायकों को अब चिंता सताने लगी है और ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था की जानकारी दी गई है। देश में गहराया बिजली का संकट, मामले को संज्ञान में लेने का आग्रह भी किया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था की जानकारी की बात कही गई है और पूरे मामले को संज्ञान में लेने को भी कहा गया है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो यूपी के भाजपा विधायकों को चिंता सताने लगी है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बिजली का संकट भी देश में गहराया हुआ है। तो देश में बिजली का संकट, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं। सफी, देश में बिजली का संकट किस कदर आ चुका है, ये सबसे इससे हर कोई वाकिफ है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बिजली कटौती भी की जा रही है, लेकिन इस कमी को दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोयले की कमी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ लगातार बिजली संकट आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कोयले की कमी बता रही है, जिसको लेकर जो रेल प्रशासन है उसने कमर कस लिया है। तो भारतीय रेलवे जो यात्री ट्रेन है उसको लगभग 670 ट्रेनें हैं जिनके फेरे होते हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। और साफ तौर से बता दें कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से 24 मई तक जो ट्रेनें हैं 670 उनको रद्द किया गया, इसकी सूचना भी जारी की गई है। और 500 से अधिक यात्राएं जो लंबी दूरी की हैं वो भी, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनको भी रद्द किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मालगाड़ी है जो कि कोयला लेकर आती है उसको लाने में काफी देरी हो रही थी, जिसके चलते रेलवे ने ये कदम उठाया है। क्योंकि बिजली संयंत्रों की अगर कोयले की बात करें तो कोयला ले जाने वाली जो अतिरिक्त रास्ते हैं उनको भी खोला गया है। लगातार जो कमी आ रही है, जो बिजली संकट आ रहा था, उसके लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल, लेकिन सफी, रेलवे की ओर से भले ही ये बड़ा कदम उठाया गया हो कि स्पेशल रूट भी बनाया गया है ताकि कोयले की कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह के हालात जो है वो क्यों आने दिए गए? पहले से ये सबको पता था कि अगर मार्च और अप्रैल से ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो बिजली की भी खपत ज्यादा होगी, फिर आखिर सरकार की कमी कहाँ रह गई? क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है उनकी इस कमी को लेकर। बिल्कुल देखिए, कोयले की कमी काफी पहले से आ रही थी, लेकिन सरकार की जो तैयारी थी वो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रह गई थी, क्योंकि इलेक्शन आ गया था बीच में और उसके बाद फिर जो इलेक्शन के बाद की तैयारियां थी, इसकी वजह से जो कोयले की कमी थी वो लगातार आने लगी। और अब जिस तरीके से बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी से जो आपूर्ति है बिजली विभाग वो पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो आप बात करें सरकार की, तो इसको लेकर जो संकट गहराया हुआ उसकी परेशानी में सरकार घिरती नजर आ रही है, विपक्ष भी लगातार घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं बिजली जिस तरीके से मांग है, लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है। अगर बात करें हम लखनऊ की, तो 44 डिग्री गर्मी जो है वो लखनऊ में ही पड़ रही, तो जिस तरीके से लोग जनता परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है, कहीं 10-10 घंटे कहीं 15-15 घंटे बिजली कट रही है, कोयले की कमी से हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हम, तो सरकार ने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन अगर इससे पहले सरकार की तैयारियां अगर ठीक से की गई होती तो इस तरीके की परेशानी सामने नहीं नजर आती थी। बिल्कुल, यानी तैयारियां पहले से होती तो ये हालात नहीं होते। बहुत शुक्रिया सफी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देश में बिजली का संकट गहराया हुआ है और देश में लगातार बिजली संकट के चलते लोग परेशान हैं, और हालांकि गैस की कमी से कई पावर प्लांट बंद होने की भी बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।